यह है यमुनोत्री का तप्त कुंड। इस यमुनोत्री के तप्त कुंड में जहाँ गर्म पानी निकल रहा है, यह आगे जाकर और भी गर्म हो जाता है और लोग बाग इसके अंदर स्नान करते हैं और अपने आप को सारे पापों से मुक्त मानते हैं। इस धाम की खासियत यह है कि इस पानी के अंदर चावल डाले जाते हैं और पानी इतना गर्म होता है कि चावल पककर तैयार हो जाते हैं और इन्हीं चावलों के प्रसाद का भोग लगाया जाता है माँ यमुना के। और लोगों में देखिए उत्साह इस प्रसाद को तैयार करके माँ यमुना के भोग लगाने के लिए। ये देखिए जो आप छोटी छोटी पोटलियां देख रहे हैं, ये सब चावल की पोटलियां हैं जो इस गर्म पानी के अंदर गर्म हो रही है और ये चावल पककर तैयार हो रहे हैं। ये देखिए ये चावल डाल दिए दाल थैलियों के अंदर। सब किसी में होड़ लगी है कि उसके चावल सबसे पहले पक जाएं और एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था को यहीं के पुजारियों ने संभाल रखी है और एक एक को आगे आने दे रहे हैं। ये देखिए ये तप कुंड है, ये सूर्य कुंड का एक रूप है। ये देखिए यहाँ आप लोग पानी देख रहे हैं उबलता हुआ, ये देखिए इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना गर्म है, लेकिन इसका उत्तम कहाँ से किसी को भी नहीं पता। ये अद्भुत है, ये प्रकृति का अलौकिक श्रृंगार का एक रूप है। ये चावल ही तैयार हुए हैं और ये पके हुए चावल सूर्य कुंड तप्त कुंड में जो तैयार हुए हैं इन्हीं का माँ यमुना के भोग लगने वाला है और उसके बाद यही प्रसाद ये सब अपने अपने घरों पर लेके जाएंगे। पत्रिका.com की रिपोर्ट के साथ में मैं उरुक्रम शर्मा।